हेलो साथियों, आज हम लोग राउरकेला का वेद व्यास मंदिर का आपको सैर कराएंगे। आज पहला सोमवार भी है, इसीलिए काफी भीड़ है। चलिए देखते हैं साथियों, ये आपका दुकान सब लगाया गया है प्रसाद के लिए। दुकान भी काफी भीड़ है। आज पहला सोमवार है इसीलिए थोड़ा भीड़ है। अच्छा, बाबा भोलेनाथ का पहला सोमवार है आज। दुकान में काफी लोग भीड़ लगे हुए हैं प्रसादी लेने के लिए। तो चलिए साथियों, अब चलते हैं, सब लोग आ रहे हैं मंदिर। चलिए साथियों, अब धीरे धीरे चलते हैं। ये देखिए, आपको इधर से भी ऊपर जाने का रास्ता है। ऊपर में काफी मंदिर है। चलिए उधर बाद में आपको दिखाते हैं साथियों, पहले इधर हम लोग देख लेते हैं एंट्री गेट। ये है एंट्री गेट। अब चलते हैं अंदर। ये आपका राधे कृष्ण जी का, राधे रानी का अंदर में भजन कीर्तन हो रहा है, श्री कृष्ण भगवान जी का। तो साथियों, ये है, लोग दर्शन करने जा रहे हैं अंदर। ये है सीढ़ियां, सब अंदर जा रहे हैं लोग, मंदिर की ओर जा रहे हैं। इधर चलेंगे साथियों, आपको दिखाएंगे बाद में। आइए पहले इधर हम लोग देखते हैं। चलिए साथियों, आगे चलते हैं। सिपाही जी लोग बैठे हुए हैं। आज पहला सोमवार है इसीलिए काफी भीड़ है। सब भोलेनाथ जी का दर्शन कर रहे हैं, अपना बारी का इंतजार कर रहे हैं। सब लाइन में लगे हुए हैं, अपना बारी का सब इंतजार कर रहे हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए। तो साथियों, ये देखिए बगल में नदी है, नदी बह रही है बगल में। ये सामने से देखते हैं। देखते हैं साथियों, काफी अच्छा बनाया हुआ है बाबा भोलेनाथ का लिंग स्थापित है यहाँ में। काफी लोग पूजा कर रहे हैं आज, क्योंकि पहला सोमवार है इसीलिए। नदी किनार तरफ में काफी अच्छा, तो बैठने उठने के लिए काफी अच्छा बनाया गया है। देखिए साथियों, काफी अच्छा भीड़ है, काफी लंबा लाइन है। देखिए काफी लंबा भीड़, काफी अच्छा भीड़ है, क्योंकि आज पहला सोमवार है। इस हिसाब से काफी अच्छा भीड़ है, काफी खूबसूरत मंदिर है। अंदर नहाने के लिए है, लोग नहा रहे हैं नीचे, फिर उधर से आके सीढ़ी से ऊपर आके फिर लाइन में लग रहे हैं, अपना बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो साथियों, फिर चलते हैं। चलिए आइए, आपको सामने से दिखाते हैं भगवान शिवलिंग का, शिवलिंग दिखाते हैं आपको सामने से। अभी लोग कुछ आए हैं तो नारा भी लगा रहे हैं बाबा भोलेनाथ का। लोग यही पूजा कर रहे हैं, जो भी लाइन लगे हुए थे।
तो चलिए साथियों ऊपर चलते हैं हम लोग और मंदिर सब को आपको दिखाएंगे। यह है हनुमान जी, श्री रामचंद्र जी का दूत हनुमान जी का मंदिर है। अब आगे चलते हैं साथियों। चलिए साथियों अब चलते हैं हम लोग ऊपर। ऊपर में काफी बहुत अच्छा अच्छा मंदिर है ऊपर में। चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पूजा चल रहा है, बगल में भी मंदिर है। चलिए आपको एक बार सामने से दिखाता हूँ। ये आपका हनुमान जी का मंदिर, श्री रामचंद्र जी का दूत, पंडित जी बैठे हुए हैं। इधर बगल में भी श्री राम भगवान जी का मंदिर है। यहाँ में श्री राम भगवान जी है, माता सीतामा बैठी है श्री रामचंद्र जी का बगल में, हनुमान जी नीचे में बैठे हुए हैं, अपने प्रभु का गुण गा रहे हैं। तो ये साथियों ऊपर से एक बार आपको नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पे काफी लोग लाइन लगे हुए हैं, अपना बारी का इंतजार कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का दूत हनुमान जी का बड़ा सा मूर्ति है, हमें लोग पूजा कर रहे हैं, लोग अपना बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपको बाहर से ही दिखाते हैं साथियों। आपका बाहर में भी काफी पूजा चल रहा है। अंदर पंडित जी बैठे हैं और पूजा चल रहा है। चलिए साथियों आगे चलते हैं। अब ऊपर तरफ चलते हैं, ऊपर तरफ और कौन कौन मंदिर है। आइए चलते हैं ऊपर। तो साथियों हम लोग ऊपर आ गए हैं। कहा जाता है श्री वेदव्यास जी महाराज जी यहाँ बैठ के महाभारत का रचना किए थे। ये देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, श्री वेदव्यास जी की पवित्र स्थान, श्री वेदव्यास जी की, वेदव्यास जी यहाँ पे बैठ के महाभारत की रचना किए थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल कहा जाए, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत युद्ध रचे थे। आइए ऊपर चलते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ में हनुमान जी का मंदिर है। ये आपका श्री रामचंद्र जी का मंदिर है। सामने से जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे आपको।
अब हम लोग सबसे ऊपर में आ गए हैं। जगन्नाथ भगवान जी का मंदिर है ऊपर में, ये देख लीजिए साथियों, काफी अच्छा मंदिर बनाया गया है। आप लोग कमेंट में बताएंगे साथियों, मंदिर बहुत अच्छा है। ये आपका हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर, मैं कोशिश करूंगा आपको जूम करके दिखाने का। काफी खूबसूरत मंदिर है जो सबसे ऊपर में है। ये ऊपर से देखिए साथियों, काफी हरियाली नजर आ रहा है बाहर। नीचे में काफी अच्छा बनाया गया है बैठने के लिए। तो साथियों देखिए, ऊपर से आपको मैं नदी दिखा रहा हूँ, इस 3 बार हो गया मैं आपको दिखाया। तो साथियों चलिए अब चलते हैं साथियों, नीचे उतरते हैं। काफी लाइन लगा हुआ है, पहला सोमवार है इसलिए काफी भीड़ है। चलिए अब बाहर आ गए हैं। तो साथी आप लोग बताइएगा मंदिर आपको कैसे लगा। ये है आपको रामकलिया का वेदव्यास मंदिर। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा आपको, इसके बाद बताएंगे आप, कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा साथियों कैसे लगा। आपका भाई एसके दास को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू साथियों।